हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज मैं लेके आया हूँ टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ द डे, जो कि मैं प्रतिदिन लाता हूँ, उसी क्रम में ये अगला है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, पहला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? हाल ही में डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना कराने की घोषणा की है? तो वो नेपाल ने की है। किस देश ने की है? नेपाल ने। हाल ही में किस देश ने LGBT लोगों की जनगणना कराने की घोषणा की है? तो वो नेपाल ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई बागवानी नीति लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई बागवानी नीति लागू करने की घोषणा की है? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य। अगला प्रश्न है, चौथा, हाल ही में IOC ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में IOC ने कच्चे तेल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रसिया रूस के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी है? तो वो है 7 राज्य। इसका उत्तर कितना होगा? 7। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो वो हैं आपके विराट कोहली। कौन बना है? विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा 39, 39। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, टाटा टेलीकॉम ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है? टाटा टेलीकॉम ने किस कंपनी में विलय की घोषणा की है? तो भारती एयरटेल में विलय की घोषणा की है टाटा टेलीकॉम ने। उम्मीद है आप सबको यह प्रश्न ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।